इस वीडियो दे विच आपां ये वेखांगे कि पाइथन दा जिहड़ा है वह इंटरैक्टिव मोड के अंदर पाइथन शैल नू किस तरह ओपन करना है। सब तों पहलां तुसीं स्टार्ट मेनू ते क्लिक करो या विंडो बटन जिहड़ा तुहानूं नज़र आ रहा है थोड़े ओपरेटिंग सिस्टम दे विच, उहदे विच पाइथन फोल्डर तुसीं सर्च करना है। तो मैं सर्च किया है पाइथन फोल्डर 3.11 मेरे इंस्टॉल है, ये IDE पाइथन 3.11 64-bit शैल जिहड़ा तुहाडे स्क्रीन ते तुहाडे कोल ओपन हो चुका है। तुसीं स्क्रीन ते पढ़ सकते हो टाइटल बार ते लिखा है IDE शैल 3.11। तो थोनू ट्रिपल साइन ग्रेटर दैन दे भी आ रहे हैं, तो यह इंटरैक्टिव मोड है, पाइथन शैल है। ये पहला आप सिंपल कमांड टाइप करते हाँ प्रिंट की, प्रिंट के मैं लिख रहा हाँ वेलकम टू पाइथन, डबल कोट्स के मैसेज देना है। तो स्ट्रक्चर थोड़े सामने प्रिंट फंक्शन का शैल के अंदर तुम्हें डिस्प्ले भी हो रहा है, लिखती रूप के आ रहा है। तो ग्रीन कलर के इनवर्टेड कॉमिया असं टाइप कर रहे हाँ, तो प्रिंट इनवर्टेड कॉमिया मैं लिखा है वेलकम टू पाइथन। तो जो मैं पूरी कमांड लिखांगे तो एंटर प्रेस करांगे रिजल्ट तुहाडे सामने होएगा। देखो रिजल्ट तुहाडे सामने आ चुका है, तो पाइथन का इंटरैक्टिव प्रॉम्प्ट भी अगे आ चुका है। आप एक वेरीएबल लेंदे हाँ ए जिसकी वैल्यू मैं 10 दिती है, और इस तरीके आप बी लेंदे हाँ जिसकी वैल्यू 20 दिती है। तो यद सम आप प्रिंट करावे पाइथन के, मैं तुम दस दें कोई भी वेरीएबल डिकलेयर करन लग्या कीवर्ड की वरतों नहीं होंगी, यानी जिहड़ा वेरीएबल है या कॉन्सटेंट है वह तुरंत ही डिफाइन हुंदा है। तो प्रिंट के मैसेज दिता है सम ऑफ ए एंड बी इनवर्टेड कॉमे बंद किए है, तो आप वैल्यू प्रिंट करावे ए ते बी दी सम दी। तो तुसी देखो किस तरह हो रहा है, इनवर्टेड कोट्स बंद करते तो उहदे च लिखता सम, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करांगे तो तुहाडे सामने तुसी देख रहे हो एरर आ गई है, सम जिहड़ा प्रिंट नहीं होया। उसका कारण यह है कि मैं प्रिंट दे विच सम नू प्रिंट कराया है, और तुसी देखो मैं प्रिंट नू किते सम नू किते मैं डिफाइन नहीं किया। सम कोई वेरीएबल मेरे कोले कॉन्सटेंट या वेरीएबल है ही नहीं, क्योंकि उहदे विच कोई जोड़ ही नहीं है, इस करके एरर आ गई है। हुण आपां इहदे विच पहला सम दे विच आपां जोड़ जिहड़ा है वह सेव कराउणा है, उहनूं डिफाइन करना है। सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, देखो मैं कमांड लिख दित्ती है सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, उस एरर नूं आपां खत्म करना है। हुण प्रिंट दे विच दुबारा लिखांगे सम ऑफ ए एंड बी इज, और सम नूं प्रिंट करावांगे। तुसीं देखो उस तरह ही मैं लिख रहा हाँ। पाइथन दे विच वेरीएबल नूं डिकलेयर करन लई किसी कीवर्ड की वरतों नहीं होंगी, पाइथन दे विच जदों वेरीएबल डिफाइन किया जाता है जिहड़ी वैल्यू उस दे विच दित्ती जाती है उसके हिसाब नाल ही वेरीएबल की जिहड़ी टाइप है या कॉन्सटेंट की जिहड़ी टाइप है वह डिफाइन होंगी है। अगर असी तुसी देखो सम ए ते बी दा 30 तुहाडे कोले प्रिंट हो चुका है, सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 30। हुण आपां पाइथन स्क्रिप्ट मोड ओपन करांगे, फाइल मेनू ते क्लिक करो, न्यू दे विच जाओ। न्यू दे विच जदों असी क्लिक करते हाँ ये तुहाडे कोले स्क्रिप्ट मोड आ गया है। इंटरैक्टिव मोड ते स्क्रिप्ट मोड दा एक फर्क यह है कि स्क्रिप्ट मोड दे विच तुसी प्रोग्राम नू सेव कर सकते हो। देखो तुहाडे सामने अनटाइटल ये स्क्रिप्ट मोड है, ये जिहड़ियां तुसी प्रोग्राम जदों तुसी लिखोगे उसनू तुसी सेव भी कर पाओगे, स्टोर भी कर पाओगे, किसी फाइल नेम के अंडर उन्होंने आप सेव करांगे। आप सेम प्रोग्राम बनाने हाँ, ए की वैल्यू 10 लई है, एक बी की वैल्यू लई है, माफ करना ए की वैल्यू 20 है और बी की वैल्यू 30 है। तो आप प्रिंट दे सम दे सम इज इक्वल टू ए प्लस बी कर रहे हाँ, तो उस तरीके इनवर्टेड कॉमिया के मैसेज दिता है सम ऑफ ए एंड बी। तुसीं इनवर्टेड कोट्स के कोई भी मैसेज डिस्प्ले कर सकते हो, जिहड़ा तुसीं स्क्रीन पर आउटपुट के लैना है वो लिख सकते हो। प्रिंट तुहानूं मैं दसा एक पाइथन का आउटपुट कंसोल फंक्शन है जिहड़ा रिजल्ट स्क्रीन पर प्रिंट करता है। देखो इस दे विच सम ऑफ ए एंड बी इनवर्टेड कॉमे बंद करन तो बाद कॉमा जिहड़ा जिस दे विच सम है वह वेरीएबल का नाम लिखना है, उस तो बाद ब्रैकेट बंद करना है,
फाइल नूं आपां सेव करांगे। सेव ते क्लिक करो, किसी भी लोकेशन ते फाइल नूं सेव कर सकते हो। मैं डैस्कटॉप ते सेव कर रहा हाँ। फाइल का कोई नाम रख दिओ, तुसी देखो तुसी देख पा रहे हो सामने एक पाइथन की फाइल पहला भी सेव की हुई है, और पाइथन की जिहड़ी एक्सटेंशन है .py हुंदी है। मैं एडिशन ऑफ ए एंड बी फाइल का नाम रख दिता है, थल्ले उहदियां एक्सटेंशन भी डिस्प्ले हो रही हैं। थल्ले देखो फाइल टाइप के एक्सटेंशन डिस्प्ले हो रही हैं। नाम लिखन तो बाद सेव ते क्लिक करो, और टाइटल बार के उत्ते फाइल का नाम जिहड़ा है वह आ चुकया है तुहाडे सामने, पूरा पाथ आ चुकया है कि फाइल कित्थे सेव हुई है। हुण रन दे उत्ते क्लिक करो। जदों तुसी रन दे उत्ते क्लिक करोगे तो जिहड़ी फाइल है जिहड़ा इहदा रिजल्ट है वह इंटरैक्टिव मोड दे विच ही आएगा शैल दे उपर। देखो सम ऑफ ए एंड बी 50 साडे कोले आ चुकया है। हुण तुसी दुबारा उस फाइल नूं खोलो एडिटर दे विच, तुसी वैल्यूज़ चेंज करके रिजल्ट देख सकते हो, रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। मैं वैल्यूज़ ए ते बी दियां चेंज कर दित्तियां हन, चेंज कर दिओ और उस तरह प्रोग्राम नूं सेव करो। सेव करन तों बाद रन करो तो तुहाडे सामने आंसर जिहड़ा है वह चेंज हो चुक्या है। तो इस तरीके नाल तुसी स्क्रिप्ट मोड दे विच प्रोग्राम नूं सेव कर सकते हो। तो तुसी दोबारा वैल्यू देखो, मैं दोबारा वैल्यू चेंज करके प्रोग्राम नूं दोबारा रन कर रहा हाँ। इंटरैक्टिव मोड दे विच इस चीज़ की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, पर स्क्रिप्ट मोड दे विच वैल्यूज़ जिहड़ियां वह चेंज हो जांदियां हन, चेंज हो सकदियां हन। देखो वैल्यू चेंज करके दोबारा प्रोग्राम मैं रन किया है, रिजल्ट मेरे को नवा आ गया है। स्क्रिप्ट मोड ते इंटरैक्टिव मोड का यही फर्क है। स्क्रिप्ट मोड दे विच प्रोग्राम नूं सेव करके दोबारा किसी भी टाइम पर एग्जीक्यूट किया जा सकता है। इंटरैक्टिव मोड दे विच प्रोग्राम जिहड़ा है सेव नहीं हुंदा, उहदे विच कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। मैनू उम्मीद है तुहानू समझ आया होएगा।